हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के इस चैनल ओनली सक्सेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में और एलटी ग्रेड की वैकेंसी के बारे में। तो एक न्यूज़ निकल के आ रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करता हूँ कि अभी तक ये जो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी थी, जो यूपी का इलेक्शन था, इससे पहले ही सुनने में आ रही थी कि ये वैकेंसी आएगी और ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी होगी, पर किसी भी कारण से अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई है। पर अब ये आप मान लीजिए, इलेक्शन 10 मार्च के बाद में, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में, मार्च में तो नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जून या जुलाई तक ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हमारे बीच में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जिस तरह की और नई नई न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोगों को कोई भी वीडियो मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अच्छा, ये जुलाई में एक वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी की आने वाली है। और एक चीज़ और भी है कि ये अब तक की अगर वैकेंसी आएगी तो लगभग 20,000 से लेके 22,000 तक, ये इतनी बड़ी वैकेंसी होगी। 22 नहीं मानिए तो 18 से 20 तो आप मान ही लीजिए, मतलब ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी आती है तो इसके आने की संभावना जून में है या जुलाई में है। तो आप लोग एकदम डट के तैयारी करते रहिए। और इसके बाद में, क्योंकि वैकेंसी जब भी आती है तो फिर उतना समय नहीं मिलता, आप जो भी सब्जेक्ट हो इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी तो जब भी आएगी, जब आएगी उससे पहले आपकी एलटी की वैकेंसी आ जाएगी। तो दूसरी न्यूज़ एलटी की वैकेंसी से रिलेटेड ही है। एलटी की वैकेंसी मैंने आपको पिछला वीडियो जो बनाया था वो मैंने उसमें बताया भी था कि सबसे पहली वैकेंसी जो आएगी वो एलटी की आएगी और वो संभवतः आपकी अप्रैल में आ जाएगी। तो अब एलटी के लिए आप लोग तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए। एलटी की वैकेंसी जो होगी वो लगभग 9,000 से ऊपर पोस्ट के लिए होगी, ये एकदम श्योर न्यूज़ है, आप लोग रिलाई कर सकते हैं। और इसमें से 9,000 सीट्स में लगभग एक सीट आपकी पक्की आपको करनी है, ठीक है। तो अब आप लोग बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब जैसे ही इलेक्शन होगा और मार्च वार्च बीतेगा, अप्रैल के बाद से आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है थोड़ा सा कि गवर्नमेंट, वैसे तो मुझे लगता है जो अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट यही रहेगी, क्योंकि मुझे इसको बदलने के आसार तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई अगर, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वैकेंसी में डिले हो जाए, क्योंकि होता है ना, गवर्नमेंट अगर डिले चेंज हो गई तो होता, हर गवर्नमेंट चाहती है आयोग में हमारे आदमी हों, हमारी नियुक्तियाँ हों, तो उस कंडीशन में चीज़ें थोड़ा डिले हो सकती हैं, पर मुझे उसकी संभावना लग नहीं रही है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसा नहीं कि मेरा किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना है, बट ये मैं तो बस ये चाहता हूँ वैकेंसी जल्दी आए। तो वैकेंसी आप ये मान के चलिए कि जून से जुलाई तक आपकी टीजीटी पीजीटी की और लगभग अप्रैल में आपकी वैकेंसी एलटी की आ जाएगी। तो बिल्कुल आपको जो भी आप कर रहे हैं, जहीं कहीं भी आकर बिजी हैं, तो अपना सारा काम छोड़ दीजिए, एलटी की तैयारी में आप लोग लग जाइए। और एलटी कम से कम 9,000 सीटों में एक सीट आपको पक्की करनी है, एकदम से अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। और एलटी में एक चीज़ और भी है कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो इस यूट्यूब चैनल पे जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है जीएस की, अभी पॉलिटी की चल रही है, तो आप लोग पॉलिटी के 10-10 क्वेश्चन करके हर टॉपिक वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी तैयारी ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, इतना एक न्यूज़ थी, ये बड़ी वैकेंसी होगी, इसको बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। जो भी लोग हैं वो लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।